शब्द दिशा में चाहूंगा कौन सा शब्द कौन बोले जाता भाई? कई शब्द है तो जो कांग्रेचुलेशन के कितने रुपए कमा ले यूट्यूब से भाई? ये तो बहुत अच्छे हो जाए महीना की पेमेंट, बाकी वाई बात शेयर कर नहीं सकते, बाकी एक सरकारी नौकरी तक कुल मिला के ज्यादा हो जाए। अच्छा भाई, पहली वीडियो तो खेत में कड़िया से मुस्सा चढ़िया पाया गया। अच्छा। तो उसकी भी छोटी बने। अच्छा। एक बार कुआ में मुस्सा मरिया मरी तो रहा था, जिंदा था, बड़ा बड़ा साइज का था शायद, पहली दूसरी पहली वीडियो थी, दूसरी वार डाली थी। अच्छा। सलाह करी थी और एक शायद ग्रह पिंजरा में शायद मुस्सी रुक गई थी और पिंजरा में रुकी रुकी पिंजरा में सवेरे ब्याई पाई। अच्छा। मैंने तो उसकी भी वीडियो डालती थी। आंदोलन में एक आधी बार शुरुआत करी थी, एक आधे टप्पे भूल लाइक जल्दी खुद क्वेश्चन की भूल लाइक जाए अगला तक पूछा क्वेश्चन मेरे भूल लाइक जल्दी मतलब क्वेश्चन भूल जाता क्वेश्चन भूल जाते शुरुआत। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आपके अपने चैनल पे एक नए चेहरे के साथ में। इस वक्त मेरे साथ देख पा रहे हैं आप स्पेशल हरियाणा के डायरेक्टर सतीश। आपने देखा हुआ स्पेशल हरियाणा लगभग लगभग 2.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर है लेकिन चेहरा बहुत कम चर्चित है, उसके पीछे के कारण रहा है सतीश दिनोता मेरे साथ मौजूद है भाई साहब। राम राम। राम राम भाई सबने, आपके सारे दर्शकों ने राम राम। तो सतीश भाई आज बात करेंगे यहाँ पे आप तक लेकिन कि आपने किस प्रकार से इस लाइन में शुरुआत करी। अरे मैं पहले जानना चाहूंगा आपका पूरा एड्रेस बता दो, गांव गुआंड तहसील के कुछ है कड़राग रोकू करके है भाई सतीश दिनोता। जो दिनोता नाम का गांव नाम का पास गांव लाइक है तो जाहिर है भाई दिनोता गांव था हूँ सतीश दिनोता और गांव का बेरा प्रंदरवाना के आसपास है, बढ़िया गांव है, बहुत बड़ा गांव है। बिल्कुल भाई अगर बात करें दिनोदा गांव का इतिहास रहा है, दिनोदा गांव में अगर बात करें केडी दिनोदा की बात करें, बिंदर दिनोदा की बात करें, इस प्रकार के बड़े बड़े जो है भाई यहां पर बिल्कुल बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े लेखक जो इस गांव में देने का काम कर रहा है। द्रोणगढ़ की भूमि माना जाता है दिनोदा को, ऐसा ही नहीं बस्ती जमा सच्चाई है सारी अरदादार अंसर ने दोनों गांव दिनोदे असल में तो पूरी खाप नहीं दोनों गांव दिनोदे बहुत पूज्य है भाई। सतीश जी बात करेंगे आप तो लेकिन मतलब आपके 2.25 लाख सब्सक्राइबर है या जो शुरुआत है किस तरह हुई 2.25 लाख तक कुकर पहुंचे थोड़ा उसके बारे में बताओ। जो ये 2.25 लाख सदस्य है मेरे एक परिवार है और उन्हें परिवार का प्यार के साथ आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, बहुत ज्यादा प्यार दिया लोगों ने। और भाई वही बात से बात करें तो स्टार्टिंग की जी। भाई मैं खुद एक यूट्यूब चैनल बहुत घना देखा था, सारा दिन मैं यूट्यूब पर पड़े रहा करता जी। बस वही मेरे मन में आएगी बस तन्ने भी यू काम करना है तू उसमें बता करते भाई भाई इससे आमदनी है अपने यू खर्चे लेकर जाएंगे घर चल जाएगा। मेरा मन में आएगी बस ये भाई करने लग रहे तन्ने भी यू काम करना है और तो दिमाग में आई थी और तो काम स्टार्ट कर शुरू में कुछ घना बेरा कौन था थोड़े थोड़े पॉइंट लाके थोड़ी थोड़ी वीडियो बनानी सिक्यार दे ऐसा ऐसा थोड़ा शाह बह गया। हालांकि पूरा शाह तो जिंदगी में कदे नहीं आता, मेहनत तो आगे आगे चलती रहा है बिल्कुल। बस ऐसे कड़िया कुछ प्रोग्राम होता वो शूट कर लेंगे कड़िया जड़े कुछ भी होया वाई शूट करके यूट्यूब पर डाल करते और ऐसा ऐसा भाई यहाँ प्यार मिलता रहा आज 2.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए। शुरुआत के दौर की अगर बात करें शुरुआत में जब आपने पहली वीडियो बनाई थी आपको थोड़ा बहुत याद हुआ पहली वीडियो कड़े बनाई थी कुकर बनाई थी भाई? पहली वीडियो तो खेत में कड़िया से मुस्सा चढ़िया पाया गया। अच्छा। तो उसकी भी छोटी बने। अच्छा। एक बार कुआ में मुस्सा मरिया मरी तो रहा था शायद जिंदा था बड़ा बड़ा साइज का था शायद पहली दूसरी पहली वीडियो थी दूसरी वार डाली थी। अच्छा। तो शुरुआत करी थी और एक शायद ग्रह पिंजरा में शायद मुस्सी रुक गई थी और पिंजरा में रुकी रुकी वो पिंजरा में सवेरे ब्याई पाई। अच्छा। मैं तो उसकी भी वीडियो डालती हुआ छोटे भाई और वहां चली वीडियो मैं देख उस टाइम सब्सक्राइबर थे को नहीं शुरुआती दौर था बाकी भी आया देखो नहीं वो कितनी चली थी कितना नहीं चल रही थी। शुरुआत की जब वीडियो चली अगर बात करें तो ध्यान में है कि पहली वीडियो या बढ़िया चली थी जिस तक खुशी मिली भाई? शायद पहली वीडियो की तो ध्यान में को नहीं लेकिन जब तक मेरा चैनल उठा था नहीं वह रेणु धून थी। अच्छा। मेरा चैनल ना ठान वाली रेणु धून थी उसकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी रेणु धून की। पहली वीडियो आपने बता पे रेणु धून की वीडियो चली थी। हाँ। तो मोनोटाइज कितने दिन में चैनल होया आस्तीश भाई? मोनोटाइज के लिए शायद पूरा संघर्ष किया था 8 महीने लगे थे लोग आज नु कहते भाई इतने पैसे कमाओ है
इतने ऑर्डर पहुंच रहे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन शुरू शुरू में भाई जो मेहनत करके एक एक सब्सक्राइबर जोड़ा था ना एक एक जज जाके हजार बहुत मुश्किल हुए थे, 8 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था पूरी मेहनत करी है। कितनी खुशी हुई थी जिस दिन चैनल मोनेटाइज हुआ था, पहला जो डॉलर की बात करा पहला डॉलर खत्म भाई मेरे हिसाब से जिस दिन चैनल मोनेटाइज हुआ था नहीं मैं घना कणक की ट्रली तान लग रहे थे। अच्छा और जो एकदम नोटिफिकेशन दोबारा की नोटिफिकेशन आया था और बीच में कणक की ट्रली तार देते मैं रुक गया था क्यों खुशी हुई थी। पहला कणक की ट्रली में बात मत करेंगे, पहला सारी वीडियो मोनेटाइज करेगी बेच के। अच्छा। या मैं कणक पार्सल कर देगी पहला या मोनेटाइज करना बहुत जरूरी है। इतना चाव हो गया मतलब 8 महीने बाद मोनेटाइज होने के बाद पहली पेमेंट कद आई और कितनी आई भाई? मेरे हिसाब से मेरी पहली पेमेंट 20,000 रुपया आई थी सीधी सीधी 20,000 20,000 आई थी पहली पेमेंट मेरी। अच्छा हाँ बढ़िया चल रही थी मतलब वीडियो तो शुरू में बहुत बढ़िया चली थी मेरी पहली पेमेंट 20,000 रुपया आई थी। तो 50,000 जब बड़ा अचीवमेंट की अगर बात करें 50,000 सब्सक्राइबर कितने दिन बाद हो गए थे भाई? 30,000 सब्सक्राइबर लग थोड़ी ही रह गई थी मेहनत है 30,000 के बाद तो मेरे सीधे 1.5 लाख हो गए थे। यानी 1.5 लाख जाके जादू मेरा ये किसान आंदोलन आ गया था। अच्छा जब मेरे जब किसान आंदोलन 30 पैंती थे एकदम और इतना ज्यादा वायरल होया था 30 पता सीधे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 1.5 लाख तो 2 लाख का सफर 1.5 लाख तक और 1,80,000 का सफर तो थोड़ा हा टोड़ा आ गया हो गया था। लेकिन फिर 1.80 था 2 लाख का जो सफर है वो बहुत कठिनाई भरिया था भाई जिसमें 2-3 स्ट्राइक भी आ ली डेट भी ना मोनेटाइज भी बंद हो ली मतलब दोबारा उल्टा जीरो पे लाई गिट दिया था। अच्छा वाई कंडीशन जीरो वाली आ गई थी। अच्छा स्ट्राइक कटी चैनल दोबारा मोनेटाइज होया फिर जाके तुम्हें दोबारा खुशी हुई थी। ईब कितने रुपये कमा ले यूट्यूब पे भाई? ये तो बहुत अच्छे हो जाए महीना की पेमेंट बाकी वाई बात शायद शेयर कर नहीं सकते बाकी एक सरकारी नौकरी तक कुल मिला के ज्यादा हो जाए। अच्छा मतलब एक सरकारी नौकरी तो ज्यादा पेमेंट लेने लग रहा सतीश भाई। तो सतीश जी ये तो थी बात अपने चैनल ग्रो करने की आड़ तक पहुंचने की। ये मैं एक दो चीज इसी पूछूंगा, आप पत्रकारिता करो आप कड़िया फील्ड में जाओ हो तो के एक आधे शब्द इसे हो जो आप बोल ले कौन जान दे। हाँ भाई ऐसा ही है एक आधा शब्द इसा मैं चाहो कौन सा शब्द कौन बोले जाना भाई? कई शब्द है तो जो इंग्लिश के जो मैन वर्ड है कई ये मेरा मुंह तो लिख दे थोड़ा नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन कुछ ऐसे कई शब्द हैं जो बोले को जानते एक आगरा किसी ने आप सीधे बता ही दे जाएगा हां ये तो हो जाएगा सर कांग्रेचुलेशन है ये एक आधे वर्ड है मेरे शायद दिमाग में याद नहीं मैं बोलने को जल्दी याद कर ले इंटरव्यू के बीच में बताने जरूर है वैसे से अगर याद आ गया तो भाई ये तो बता देंगे भाई यहां प्यार तो बड़ा कुछ ही बदलता जी। तो इसी मैं अगर बात करूं कड़ी में आप शुरुआत किस तरह करया करो चैनल की भाई शुरुआत ही करया करो आप इंट्रो जिसने बोला भाई आप करया करो हां बस स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम फिलहाल आज खड़ा हूं मैं इस जगह पर यार तक करया एंडिंग कैसे करते हो? एंडिंग तो बस यहाँ हुआ है भाई वीडियो किसी पसंद आई है वीडियो थोड़ा ज्यादा शेयर करियो कमेंट में अपनी राय छोड़ दियो और इसे के साथ वीडियो लंबी निकलेंगे जय जवान जय किसान ऐसे वीडियो के एंडिंग रहेगा। तो अगर इस फील्ड में आने के बाद की बात करा भाई स्त्रियां कड़िया कड़िया जाओ हो शादी की अगर बात करें आपकी शादी भी हो रही है क्योंकि देखो मैं इस चीज से परिचित हूँ मैं आपकी बताना चाहूंगा शादी हो रही कितने साल हो गए शादी ने? भाई शादी होने गए 2011 में हुई थी मेरी शादी। अच्छा 2011 में भाई स्तीश की शादी हुई थी तो बच्चे कितने स्तीश? एक छोरा। तो मतलब घर हाँ इस टाइम पर जाओ हो घर वाली भी वीडियो वाडियो देखती हुई जाते कि मैं मतलब कोई स्पेशल किसी दिन न्यू कराया आज तो न्यू कराया है आज तो न्यू कराया कुछ है वाक्य आपको याद हो? दिनों जाकर किसी का इंटरव्यू लिया कई बार कई लुगाइयों के बीच में इंटरव्यू लिया ज्यादा सिपल सी आए थे तो घर थोड़ा कह दे भी आज तो अच्छा भी न्यू करके आ रहा है या करके आ रहा है कुछ ईशा जाए तो देखो सबके घर में चलता है बिल्कुल नहीं तो सबका हो जाए नॉर्मली मतलब कड़िया न्यू भी कह दे घर वाली की भाई कड़िया को स्पेशल किसी का गेस्ट का या फिर किसी मैडम का किसी लेडीज का इंटरव्यू ले हुआ है ये मतलब जो आपने कहा हंसी मजाक करी मतलब उस बात में थोड़ा बहुत ज्यादा भी खिंच जाएगी वो मामला लेकिन वह ज्यादा तो खिंचती को नहीं क्योंकि जो मेरा घर वाली है वह ठीक सभा की है और बाकी जो फोन आए जा सर है क्यों मेरा काम का फोन लगा मैं तो रह जाए सारा दिन बिजी रह जाए ठीक ठाक भी रहे के एक आधी बार कहते हैं। अच्छा नॉर्मल सी बात सही है
तुम लोग किसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा, कोई स्त्री का फोन भी आ जाए न्यू भाई। हां वो फोन तो देख जिस काम में फील्ड में सारे डाल के फोन आवे है नो है थोड़ा उरा परा जाए कर यहां। अच्छा चला सारा तो अच्छा 2.5 लाख का करीब आपका सब्सक्राइबर हो रहा, एक बड़ा चैनल जो हो गया आपका। ओ भाई प्यार है जी। इतना होने के बाद में मतलब फील्ड में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, को अलग से जो शुरुआती दौर थी यही जाओ उसमें कि मैं अलग लग गया। जब मैंने तो लगता कि शुरू में या थोड़ी शुरू में थोड़ी झिझक सी होया करती, युवा कुरानी खुल रहे हाँ, लेकिन आग्रह है चाहे सब्सक्राइबर 100 तो और चाहे 20 लाख हो जैसे करोड़ हो जियो, इंसान ने कभी बदलना चाहिए। इंसान जिस शाप तक शुरुआती दौर है उसका वही रहना चाहिए, जमीन तक जुड़ा रहना चाहिए, बदलाव को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तो घमंड होगा। इंसान ने इस बात का कदे घमंड नहीं करना चाहिए, अगर घमंड हो गया तो समझ लो उसे दिन उसका काम तमाम होने की शुरुआत होगी। जब बात करें स्थिति से आपका चैनल की, आपका चैनल पर कदे आज लगी शाको वह क्या होया हो जिस तरह आपने उस टाइम पर थोड़ा न्यू फील होया हो देखिया के घटना होगी और पाछे तो उसने देख के हंसी भी आई हो, कुछ ही चीज याद है? बहुत तो गत देखी सी मेरे शायद कोई याद को लिया अगर होगी जे कुछ भी सी बात ध्यान में को लिया ली। पहला किसी का ऐसा इंटरव्यू लिया हो जिसका इंटरव्यू लेने थोड़ी थोड़ा न्यू कंपन सी महसूस हुई बाहर डालने का इंटरव्यू आज का तो नहीं, बाकी किसान आंदोलन में एक आधी बार शुरुआत करी थी, एक आधे टप्पे में भूल लग जाती, खुद क्वेश्चन की भूल लग जाती, अगला तक पूछा क्वेश्चन मेरे भूल लग जाती, मतलब क्वेश्चन ही भूल जाता, क्वेश्चन ही भूल जाते शुरुआत में, अगला तक पूछेंगे ईसा तो आया था शुरुआती में। अच्छा मतलब इस तरह की घटना जरूर हुई है? हाँ हुई है जरूर है। तो जो नए यूट्यूबर है जो नए फेसबुक चैनल शुरू कर रहे हैं उनकी क्या कहना चाहोगे, क्योंकि देखो शुरुआती दौर में अगर बहुत मेहनत करनी पड़े, एक एक सब्सक्राइबर एक एक फॉलोअर्स जोड़ना पड़ा है। भाई देखो सबसे पहले तो सारे भाई ने एक बात करूं, जब आप शुरुआत करा नहीं कुछ भी काम करो उसमें कठिनाई बहुत गणी आवा है, इतनी कठिनाई आवा है अपना जीव दर्जन हो जाए, इस काम ने छोड़ के और काम कर लो, लेकिन जिसका मन में सच्ची लगन होनी कठिनाई या ना पार करता करता इतना बड़ा मुकाम पर पहुंच जाए है आपने नुकड़ लगे भाई बना ठीक रहा यू काम नहीं छोड़ा जाए क्योंकि यार मेरे साथ में बनी हुई है भाई। जब बात करें से आपकी फील्ड की, आपकी फील्ड में मैंने देखो पत्रकार या फिर आप यूट्यूबर बोला इसे से हैं जो किसी भी मुद्दे ने ठहके खड़े हुए हैं, तो आपकी समय सीमा या फिर आपने कब तक न्यू लिमिट बना रखी भाई आप इस चीज तक वीडियो बनावांगे या फिर किसी तरह की वीडियो डाल दो? भाई जो वीडियो अदो है नुकागरे हर चीज के कदो है, हर चीज अद में रह करी जाओ आप उस अद ने पार नहीं कर सकते, अद में रह के वीडियो बनाई जाए चैनल पे गेड़ी जाए जितनी लोग देख सके और लोग पसंद करें। कोई ऐसा मामला भी आज तक सहमी आया भाई आप वीडियो बना के और फिर पाछे उस पकड़ियां धमकी मिली हो या कमेंट मिले हो बताने यह चीज क्यों कर दी? तो मेरे हिसाब से तो आज तक कोई सी वीडियो शायद को नहीं आई, मेरे चैनल पे मतलब वीडियो बनाई और बाद में काटने की नौबत आई हो शायद मेरे हिसाब से कोई आज लगी जी। तो भाई ज्यादा लंबी वीडियो ना कौन करा, पहले स्थिति का सब याद आया भाई जो नहीं कह सकता भाई कोई नहीं आंदे यार मैं याद करना चाहता भी कोनी सो मुंह तो निकल दे कोनी नहीं मैं उन दिक्कत आ के कह कांग्रेचुलेशन तो कह दे भी कर गया कुछ भी हो एक किसा बुरा नहीं मानना चाहिए, हंसी मजाक प्यार रहना चाहिए, कोई किमें कहो प्रेम प्रेम बिना कुछ नहीं जी। तो भाई इसी से शब्द है भाई स्थिति पर कई बार के है क्योंकि मैं इनके साथ में काम कर तो भाई जब बोलना है तो ये चीज मेरा ध्यान रहा है कि भाई वो शब्द सतीश पर बोलना को जंदा तो जहां तक कोशिश करवाओ एक मजाक के तौर पर इन्होंने सोचिए भी इनका मजाक बनाने के लिए वो ये चीज बोली है, तो भाई बोलना तो देखो सबके बस की बात नहीं होती कैमरा किस पे के शब्द ना निकला है इसको भाई स्थिति दिल पर तो लिए ना दिल पर कदे लेते भाई प्यार है तो दिल पर तो कदे लेने वाली चीज ले दिल पर एक आधी चीज आ गया वैसे इस आदमी की यही खास बात है भाई भाई का चैनल स्पेशल हरियाणा और स्थिति दोनों का मेरे साथ था जमीनी हकीकत चैनल आप देखने लग रहे हो मतलब ऐसे चेहरे जिनको आपको जमीनी हकीकत मतलब उसकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक की बातें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने इंटरव्यू किसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइयो और अगला इंटरव्यू किसका होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइयो उस इंसान का उस चेहरे का इंटरव्यू आपके बीच में लेके आने का काम करेंगे। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई स्थिति बहुत बहुत धन्यवाद।